दोस्तों ये पल्सर का गियर बॉक्स है जो ऑलरेडी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हो कंप्लीट है हमारा ये गियर बॉक्स। अब इसका हम क्रेन लगा के और की क्रेचेट लगा के फिट करने वाले हैं। जैसे आप इसे देख रहे हो ये न्यूट्रल सेंसर है और चल रहा है, जब इसी के ऊपर आगा तभी न्यूट्रल लाइट ये बताता है और बहुत सारी आपको हम जानकारियां देते रहेंगे पल्सर से रिलेटिव। आप हमारे चैनल पे बने रहें, देखते रहें, फिटिंग हम कर रहे हैं इंजन। दोस्तों हमारी क्रेन फिट हो चुकी है। ये हमारा टॉप गियर भी फिट हो चुका है और इस पर एक वाइसर लगेगी। एक गियर बॉक्स भी कंप्लीट और क्रेन भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। सोल्यूशन इस तरीके से पूरी बॉडी पे लगा दे, फेकिंग लगाने वाली जगह पे। इस तरीके से परफेक्ट बेकिंग लगाएं, आयल लीक नहीं होगा। पैकिंग लगाते समय पैकिंग में एयर नहीं आना चाहिए। ये किक रिटर्न स्प्रिंग है ओरिजिनल, देख सकते हो आप पार्ट नंबर इस तरीके से। और इसकी फिटिंग कैसी होगी आपको दिखाते हैं, देख सकते हो आप इसके अंदर एक ये होल है, इसके अंदर ही आपको ये स्प्रिंग लगाना है सामने वाले चैम्बर में। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम चैम्बर की फिटिंग कर रहे हैं दोनों, देख सकते हो गाइस इस तरीके से फिटिंग होती है। चैम्बर बड़ी आहिस्ता से बैठ, देख सकते हो गाइस हमारा चैम्बर बैठ चुका है कंप्लीट और बड़े आहिस्ता से चैम्बर बैठता है, कोई ठोका पिटी नहीं लगती है पल्सर के चैम्बर फिटिंग करने में। ये गियर शाफ्ट है, इसकी फिटिंग हो चुकी है। किक शाफ्ट की भी फिटिंग हो चुकी है आपने देखा। अब हम टाइमिंग क्लच की बताएंगे आपको।
टाइमिंग गियर अभी हमने फिटिंग कर लिया है, टाइमिंग गियर की फिटिंग कर ली है और आप देख रहे हो अब हमारा क्लच फिटिंग हो रहा है। अब अपने ये दोस्तों ये हमारा प्राइमर गियर भी फिटिंग हो चुका है, देख सकते हो कि जैसे प्राइमर गियर के ऊपर ये जो निशान दिख रहा है आपको बट का, चला के देख सकते हो थोड़े से काम के लिए इस निशान को देखिए इस तरीके से यहाँ सामने रखना है, देख सकते हो आप इस तरीके से प्राइमर गियर की सेटिंग आपको क्लच कटोरे की फिटिंग इस तरीके से आहिस्ता से करें, ये तीन गियर में अटैच होकर चलेगा, देख सकते हो इधर की इधर ऑयल पंप और इधर प्राइमर गियर देख सकते हो, इसलिए क्लच कटोरे की आहिस्ता से फिटिंग करें। फिर इस तरीके से ये मोटे वाला वाइसर लगाएं, गोलू भी आज लिया छोटे छोटे सांच लेते मत टेकना है, नहीं टेकना है बस पकड़ो, मेरे को झटका लेगा नहीं, इतना कोई घास तो लगेगा क्लच के स्प्रिंग। फिर आपको कसना है प्लेट, इंदौर जाते हैं कि इस तरीके से, फिर आपको प्लेट लगाना है और प्लेट पे फिर आपको लोड लेना है, 10 नंबर बोल्ट आएंगे 5। और जाए कहीं और ये कई जगह ये हम जी चीजें ये तुम्हारी ये मोटरों के ये इनके क्या कहते हैं उनको कहीं इंजन ऐसा लगा था उसको तीन और चलो भाई। हेलो भाई, हेलो मेरी पब्लिक, दोस्तों क्लच की फिटिंग हो चुकी है जैसे आप देख सकते हो। दोस्तों ये वोल्ट इस तरीके से कसा चुका है और अब हम इसकी प्लेट लगाने वाले वेट की और हमारा क्लच हो चुका है कंप्लीट, पूरी टाइमिंग भी मिला चुके हैं हम, देखिए ये प्लेट लग चुकी है, अब इसकी स्क्रू टाइट करना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अच्छे से लोड ले लें तीनों स्क्रू पे और ये सभी बोल्टों पे, इन बोल्टों पे भी अच्छे से लोड लेना है आपको, स्क्रू पे भी अच्छे से लोड लेना है दोस्तों। इस तरीके से सही तरीके से फिटिंग कर ले क्लच पैकिंग की, कई जगह एयर ना रह जाए,
उसके बाद कवर लगाएं आप। हालांकि ये नहीं, वो चौकीदारी में रखने का मसला था वो थोड़ी है। दोस्तों इस तरीके से पिस्टन फिटिंग किया जाता है, इस तरीके से रिंगे सेट की जाती है और नीचे ही ब्लॉक को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हो आप, ये गड्ढा वापस पैक करके देंगे ना दोस्तों। इस तरीके से पैकिंग को ठीक तरीके से लगा ले, एयर नहीं आए, और भी इस तरीके से आप ब्लॉक लगा सकते हो। दोस्तों फिर इस तरीके से लॉक लगाएं और लॉक अच्छे से देख ले कि लग चुका है, और पेचकस से आप चेक कर ले एक बार। तरीके से अच्छे से लगा ले दाग, उसके बाद में इस तरीके से धीरे धीरे पिस्टन को अंदर करते रहे। ये आपका पूरा पिस्टन अंदर हो चुका है और ये लाग को अंदर कर देते। फिर दोस्तों इस तरीके से लाकर को लगा लें यहाँ, ये आपका ब्लॉक हो चुका है कंप्लीट इस तरीके से। कंप्लीट तो गाइस इस तरीके से वाल हलसेल फिटिंग करें और वाल फिटिंग करें, इसके बाद में स्प्रिंग वगैरह लगाएं, आप केचर लगाएं, आपका हेड कंप्लीट करें। दोस्तों इस तरीके से इसकी फिटिंग करना है, नीचे एक साइड आपको वाइसल लगाना है, फिर स्प्रिंग लगाना है डबल, और फिर आपको कटोरी केचर लगाना है। दोस्तों इस तरीके से केचर लगा लें और फिर इस तरीके से फिटिंग करें। देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से फिटिंग हो जाती है। फिर गैस्केट पैकिंग लगा के इस तरीके से फिर आप हेड लगा दें, उसके बाद में केम लाकर आप फिटिंग करें यहाँ पे। ठीक है गाइस।